रेखा किसको कहते हैं? मंगल रेखा की परिभाषा दी गई है कि जो रेखा आक्रामक मंगल क्षेत्र से प्रारंभ होकर जीवन रेखा के समानांतर चलती है मंगल रेखा कहलाती है। जो सिंपल होता है, सपोर्टिव लाइन भी इसको कहते हैं, मंगल की सपोर्टिव रेखा जो इस तरह से शुरू होती है जीवन रेखा के बगल से। अगर जीवन रेखा यहाँ पर बनती है तो उसके बगल में ये मस्तिष्क रेखा, सॉरी मंगल की रेखा बनती है। ठीक है, ये बहुत सपोर्टिव लाइन होता है। सपोर्टिव मतलब हर तरह से सपोर्ट देने वाला। ये जिस किसी के भी हाथ में दिख जाए तो समझ लो कि इस व्यक्ति का कोई भी प्रॉब्लम, कितना बड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम आए, ये व्यक्ति तर जाता है। ऐसे लोग अपने पूर्व जन्म में दूसरों की इतनी मदद करते हैं, इतनी मदद करते हैं कि इस जन्म को कोई भी किसी भी तरह का बिना एफर्ट किए मदद मिलता है। प्लस ऐसे लोगों के साथ एक और अच्छी बात होती है कि इनके जो सगे संबंधी है, क्लोज रिलेटिव कौन, जिसके साथ खून का संबंध है, रक्त का, उनका सपोर्ट 100% मिलता है। घर में अगर बड़ा भाई है, फादर है, उनका सपोर्ट 100% मिलता है। छोटा भाई से भी, छोटे भाई से भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, मंगल रेखा आक्रामक मंगल क्षेत्र से उदित होकर शुक्र के क्षेत्र से होती हुई कलाई तक पहुंचती है। निकट संबंधी रोग प्रतिरोधक क्षमता, साहस, शारीरिक बल, परिश्रम और कर्मठता, तीनों ही मतलब इतने सारे पॉइंट ये दिखाता है। अब इसमें लिखा हुआ कि मंगल रेखा मुख्य रूप से जीवन रेखा की सहयोगी रेखा मानी जाती है। मंगल रेखा की स्थिति जीवन रेखा में दृष्टिगोचर हो रहे तो अशुभ प्रभावों को कम करती है। मंगल रेखा जीवन के किसी भी निकट संबंधी की ओर से इशारा भी करती है। यह निकट संबंधी माता पिता या पत्नी भी हो सकते हैं, परंतु जीवन साथी के संदर्भ में प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने के लिए जरूरी है कि विवाह रेखा का भी अवलोकन कर लिया जाए। मंगल रेखा का दोषपूर्ण होना या उत्तरोत्तर जीवन रेखा से दूरी बना लेना निकट संबंधी के गिरते श्वास की सूचना देता है अथवा उस संबंधी से दूरी हो जाने की सूचना देता है। अब देखो यहाँ पर कुछ हाथों में आपको दिखेगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, कुछ हाथों में ये ड्रॉ वाला ही दिखेगा। इसका फिर से चालू हो जाता है, ये मेरे को समझ में नहीं आता इसको। ये एप्लीकेशन बहुत गड़बड़ करता है। नहीं। इस तरह से जीवन रेखा बनी है, इसके पैरेलल अगर कोई रेखा बनती है और बिल्कुल क्लोज है, नजदीक होते हुए इस तरह से जा रही है, तब तो अपने सगे संबंधियों का सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा, एकदम फुल सपोर्ट जिंदगी भर। और ऐसे लोग अपने परिवार वालों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, समय देते हैं, उनका सहयोग भी उतना ही मिलता है। आप देखेंगे जिन लोगों के घर में जॉइंट फैमिलीज होती हैं, यानी चाचा ताऊ सब एक साथ रहे, उन घर के बच्चों में या उन घर के लोगों के हाथ में ऐसी रेखा आपको मिले सपोर्टिव। या लड़कियों के हाथ में है तो वो ऐसे घर पे जाएंगे जहां पर घर वालों के बीच में बहुत अच्छा मेल मिलाप है, बहुत अच्छा एक कहते ना सामंजस्य है, एकता है बनी हुई है। अगर ये जितनी दूरी पर बने, जैसे शुरू हो रही है यहाँ से और यहाँ से स्ट्रेट होते हुए नीचे आते आते दूरी बन गई है, तो जिस जगह से इसकी दूरी बन रही है, जैसे यहाँ पर है, इस जगह से इसकी दूरी बनी, तो उस उम्र के बाद से व्यक्ति के निकट संबंधी यानी माता पिता की स्वास्थ्य को लेकर परेशानी देखने को मिलेगी, या फिर जिसके साथ रहते हैं उन लोगों के बीच में कोई ना कोई विवाद का हो जाना, यह भी दर्शाता है। नॉर्मली स्वास्थ्य को ही पकड़ते हैं विवाद। अगर रेखा क्लीन है, कोई भी कट नहीं है, कोई भी
मतलब दो भागों में नहीं बट रही है, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल साफ है, तो फिर ये दूरी जो है ये घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की बीमारी को ही दिखाता है, हेल्थ इश्यू को दिखाता है। अगर कभी भी जीवन रेखा बनी है इस तरह से और सपोर्टिव लाइन भी इस तरह से बन के है और इनको काटती भी कोई मंगल की रेखा ऐसे आ जा रही हो इस तरह से, ठीक है, तो क्या बना रही है? एक वर्ग का साइन, स्क्वायर, ठीक है। जब भी ऐसा ऐसा कंडीशन अक्सर हाथों में आपको दिखेगा, ऐसा कंडीशन बने तो ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित कोई बीमारी होगी या फिर कुछ समय के लिए हॉस्पिटलाइज होगा, लेकिन उतना ही फास्ट रिकवर होगा, ठीक है। जितना भी स्ट्रांग मंगल की रेखा हो जाए, हर व्यक्ति को कभी ना कभी एक ना एक बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है। तो जिस जगह पर इस तरह का स्क्वायर आपको दिख जाए, दो रेखाएं काट रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को दो बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, बीमारी आ सकती है, या फिर एक्सीडेंट की वजह से चोट लगना, स्टिचेस भरना, शरीर से खून निकलना, इसको दिखाया जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत फास्ट रिकवर होता है क्योंकि मंगल की सपोर्टिव रेखा बहुत स्ट्रांगली जाती है। ये इम्यून सिस्टम को दिखाता है, ब्लड फ्लो को दिखाता है, ब्लड की क्वालिटी को भी दिखाता है। अगर इसका कुछ किसी का उपाय होता है क्या सर? किसका उपाय, इसी जो स्क्वायर बनता है, ये जो हाँ पेट से रिलेटेड बताया आपने, ये हाँ हाँ सर, इसमें देखिए स्पेशल उपाय करने की जरूरत नहीं। अगर स्क्वायर कंप्लीट है, वो स्क्वायर किसी भी तरह से कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा मतलब बीच से कोई रेखा ऐसे तिरछी नहीं जा रही हो, स्क्वायर बिल्कुल क्लीन है, तो रिकवर अपने आप होगा, उसमें अलग से उपाय करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और तबीयत खराब होने वाली बात है, देखो विधि का विधान, अगर आप चाह रहे हो कि वो कट जाए और उसको मैं टपक के आगे निकल जाऊं, निकल जाओगे, लेकिन वो फिर वापस बैकफायर होगा क्योंकि आपने विधि के विधान को वो किया है, क्या किया है, रोका है, उसको होने नहीं दिया, तो वो डबल पावर के साथ आके आपको अटैक करेगा। इसलिए है घटना, होने दो, घटित होने दो, एक्सेप्ट करो। तो अगर आप रेडी हैं तो आपको झटका कम लगेगा, अगर आप रेडी नहीं है तो झटका ज्यादा लगेगा, नहीं सर, ऐसा ठीक है, होता है यही ना, फर्क हम है। रेडी हैं बट कम लगे हमारे को कोई उपाय करने से, ये होता है ना सर उसमें। देखिए मंगल से रिलेटेड है ना, मंगल से रिलेटेड है, तो मंगल वाला उपाय करेंगे। मंगल का क्या उपाय है, हनुमान चालीसा, जी, ठीक बजरंग है बाण, सर। हनुमान अष्टक। जी, और अगर एकदम ऊपरी जगह पे यहां पे बन रहा हो, कम उम्र में, बचपन में, ठीक है, तो इनको आप सिंपल एक चांदी का या सोने का, गोल्ड का बना के बच्चे के गले में लाल धागे के साथ गले में लगा दीजिए, ये बहुत अच्छा उपाय है, ठीक है। चांदी का हनुमान जी या फिर सोने का हनुमान जी, जी इससे बहुत हद तक प्रोटेक्शन हो जाता है, मतलब कुछ बड़ा होने रहता है तो वो छोटा छोटे में निपट जाता सर, मैं देख रहा हूँ मेरे में तो तीन चार दिखाई दे रहे हैं सर स्क्वायर ये। हाँ है। हाँ, तो उम्र वो निकल गई है ना आपकी। जी, हाँ जी, उम्र तो निकल गई है वो। वो नीचे ही होता है, ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता, नीचे बहुत रेयर स्पेस में होता है। जी, तो स्ट्रगल वाले दिन निकल गए हैं, आप बीमार पड़े, आप देखो ना, कुछ कुछ दिन ऐसे गए हैं कि एक ही तरह का खाना आपने लगातार 4-5 दिन खाया, ऐसा भी दिन गया है कि एक ही शर्ट पहन के बस काम के आया, घर पे वापस धो दिया, रात में सूख गया, फिर वापस पहन के चले गए, ऐसे भी दिन गए हैं ना। हाँ खाना तो सर एक तरह का बहुत बार खाता हूँ सर मैं, लेकिन शर्ट वगैरह नहीं करता ऐसे जल्दी से। नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बचपन की बात कर रहा हूँ, हाँ जब बचपन हमारे, हाँ, हमारे पास पैसे की कमी थी, फाइनेंशियली हम लोग इतना स्ट्रांग नहीं थे और भाई बहन भी बहुत ज्यादा थे, रिश्तेदारी थी, सब निभाना पड़ता था, है ना, वो टाइम की बात कर जी रहा जी जी हूँ। वो टाइम पे ना इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, आज के बिल्कुल टाइम पे सही। देखिए हाँ जितना ज्यादा हम जो भी खा रहे हैं वो सब में पॉइजन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सेट है सर ये तो।